गुड मॉर्निंग। आज की डेट याद है तुम्हें? क्या तेरह अप्रैल 1919 ये मेरे ख्याल से खुशी की बात तो नहीं है। फिर चेहरों पर खुशी दिख रही है। तेरह अप्रैल 1919 को जल्ली नाम था आदमी का। क्या नाम था? जल्ली। जल्ली नाम का आदमी था, उसका बाघ था। वो बाघ फिर वो जल्ली एक्सपायर हो गया, जैसे बहुत बदबू, ऐसे जैसे दयाल चौक बोलते हैं, ऐसे अलग अलग कोई जो है नाम हो जाता है, तो उस प्रकार से जल्ली नाम का आदमी था, उसकी जगह थी। पहले तो उसका बाग था, फिर वो बाग उसने जो है ऐसे ही दे दिया था पब्लिक के लिए, और फिर वहाँ पब्लिक के लिए जो है वहाँ पर सब हवा वगैरहों के लिए वो जगह यूज होती थी। बाद में उसकी डेवलपमेंट हो गई। डेवलपमेंट होने से क्या हुआ कि अब भी है वो, तो वो चारों तरफ से इस प्रकार से जो है वहाँ पर वो पूरा बन गया मामला, और एक जगह बस एक गेट है और अंदर बीच में खाली जगह है, जैसे शहर के बीच में जगह खाली रह जाती है, चारों तरफ बसासत है वहां पर, उसकी एंट्री और एग्जिट का एक ही रास्ता है। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन, तो वहां पर एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। 19 में किस बात पर हो रही होगी? रोलेक्ट एक्ट, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून, काला कानून जिसका नाम संज्ञा दी गई थी, इसके खिलाफ वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से सभा हो रही थी। और उस शांतिपूर्ण सभा को अंग्रेजों ने माना कि ये गलत है और ये हमारे जो हमने कानून पास किया है उसके खिलाफ गलत है, और ये सरकार के खिलाफ विद्रोह है। उस टाइम पर ऐसे सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते थे। आज भारत में संविधान का शासन है, कम और ज्यादा करके बोल तो सकते हैं। किसानों ने कितने लंबे समय तक जीटी रोड जाम करके अपनी बातों के जो भी बात थी अपनी बात रखी, और सरकार के कानून के विरोध में वे लोग बैठे रहे, आवाज उठाई, सबके सामने वो चीजें हैं। बीच बीच में हम लोग तुम लोग भी जाकर के अपनी बातों के खिलाफ हम जाकर के आवाज उठाते हैं, ये सारी बात है। तो सभा हो रही थी, उस सभा के ऊपर जो है किस प्रकार से एक तरफ से जो है ये गेट में अंदर घुसती है पुलिस और ऑर्डर करती है, शांतिपूर्ण तरीके से बैठी सभा में जितने लोग थे सभी लोग वहां पर शहादत देते हैं अपनी, हाँ या ना? और फिर उसके बाद वहां से भगत सिंह जाता है और फिर वो जो मुट्ठी लेके आता है, ये सब बातें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में तुम सभी लोगों को पता ही है, हाँ या ना? जो हमारे शहीदों के सपने थे कुछ चीजें तो पूरी हुई। आज हम ये बातें कर रहे हैं, किसानों ने इस प्रकार से धरना प्रदर्शन आंदोलन चलाया, वो सारी चीजें, लेकिन फिर भी जितने सपने थे वे सभी पूरे नहीं हुए हैं। कुछ लोग तो ये बोलते रहते हैं भाई आजादी हुई नहीं। अब आजादी कैसे नहीं हुई? हम लोग बोल तो सकते हैं, हम लोग आवाज तो उठा सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, अब धरने प्रदर्शन और ये सब चीजें तो हो सकती हैं। अपनी आवाज जिस बात के लिए हम चाहें ये सही है ये गलत है आवाज उठा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि देश की आजादी से भारत को कुछ भी नहीं मिला, कुछ तो मिला लेकिन सब कुछ नहीं मिला। अब भी देश में गरीब है, अब भी बेरोजगारी है, पढ़ाई के ऊपर अब भी मामला चलता रहता है, हाँ या ना? जो मैं कह रहा हूँ ये बात समझ में आ रही है? तो एक बार तो मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि सभी लोग उन सभी शहीदों की आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट का मौन करेंगे और उसके बाद हम आगे और बातचीत करेंगे। सभी ब्रांचेज के सभी लोग ऐसे ही होना, खड़े आंख बंद करके 2 मिनट का प्रे करना।
शांति, बैठ जाइए। हम लोग इन आयोजनों को क्यों मनाते हैं और इससे हमें क्या मिलता है? तो हम लोग इन आयोजनों को इसलिए मनाते हैं हम लोगों को पता रहे, जैसे आज हमने ये बात की तो कम से कम दो बात की, उस टाइम पर शांतिपूर्ण सभा भी नहीं कर सकते थे, आज कर सकते हैं। तो कुछ तो अधिकार लोगों ने लड़के लिए, हाँ या ना? ऐ शांति तो करनी नहीं चाहिए, शांति करोगे तोड़ फोड़ करोगे, कुछ और गड़बड़ करोगे तो कानूनी दाव पेच आप लोगों के ऊपर लगेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं कि सब कुछ सही है, कुछ इस प्रकार के कानून आज भी हैं जो काले कानून हैं, जो लोगों को बोलने की सलाह नहीं देते हैं, बोला ही नहीं जा सकता उसमें, और बहुत सारे लोग उसके तहत भी जेल में रहते हैं और गलत लोगों के ऊपर भी कार्रवाइयाँ होती हैं गलत तरीके से, जो है आज भी ऐसा होता है, लेकिन उसकी संख्या थोड़ी सी कम है। अब फिर भी जनतंत्र है, लोग इकट्ठे होकर के पहुंच जाते हैं, लोगों को छुड़वा लाते हैं, जैसे किसानों को कितनी बार किसान नेताओं को पकड़ा, लेकिन वहां पर फिर लोग इकट्ठे हुए, वहां पर धरना प्रदर्शन हुआ, उनको छोड़ना पड़ा। तो अब थोड़ा सा तो जनतंत्र है, थोड़ा सा तो लोकतंत्र है, उसके अंदर हम लोगों के पास थोड़े से अधिकार तो है, बाकी नहीं है। उनके लिए भी हम लोग जो है लगातार बातचीत करते ही रहते हैं, भाई करप्शन नहीं होना चाहिए, किसने लिखा करप्शन क्यों हो? हम लोग जो है शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बातें करते हैं, तो प्लानिंग में फेलियर तो है। बाबा रामदेव जैसे लोग भी हैं, जब वो लोग बोलते थे कि जो है वो 35 रुपए लीटर पेट्रोल और अब जो है क्या पेट्रोल, इस प्रकार से जो है सपोर्ट करते हैं सत्ताओं को, सरकारों को, और वो चेंज होती है और उसके ऊपर फिर बाद में जाके क्या मिलता है, 100 दिन में काला धन आएगा कि नहीं आएगा। अब सरकार बनने के जो है 100 दिन में इतनी वैकेंसीज निकाली जाएंगी, उनको भर्ती करने का क्या प्रोसीजर है, भर्तियां रेगुलर होंगी कि नहीं होंगी? तो अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर संघर्ष की जरूरत है। हम अपनी बात करें तो जैसे कई बार मेरे मन में आता, जैसे पूरा शहर की सड़कें ऐसी टूटी हुई हैं कि बहुत बुरा हाल। अगर तुम लोग जो कहते हो ना, जो इस प्रकार से चीजें करनी चाहिए, 5-7-10-15-20 जनों का एक टोला बना के चलते हैं, वहाँ वीडियो बनाएंगे, फिर वहाँ बनाएंगे, वहाँ बनाएंगे, इस प्रकार से फेसबुक लाइव करते हैं, सारे तो जाने की क्या जरूरत है हमें, पर 5-7-10 जने 20 जने जो भी चाहते हो, और लोगों को जगाया जाना चाहिए। लोग जैसे होते हैं ना वैसा ही उनको मिलता भी है। सोनीपत शहर के लोग और पूरे हरियाणा के लोग और बाकी जगहों के लोग सोए ही तो रहते हैं, रोड टूटा हुआ है तो उनका अधिकार है वे जाकर के पूछें भैया रोड क्यों टूटा हुआ है और कब तक टूटा रहेगा। जैसे लोग ऐसे जाना सीख जाएंगे बात बन गई। आप लोग हर रोज आते हो गड्ढों में, गद गड़ 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 गालियां देते, लेकिन आप लोग भी तो नहीं करते। इस प्रकार से जहां प्रॉब्लम होती है उन प्रॉब्लम्स के लिए लोगों को लड़ना सिखाना एक पर्पज होना चाहिए। लोग जैसे हैं उनको वैसा ही बता दो, देखो वास्तव में तुम कैसे हो, लोग अपने आप बदल जाएंगे, हाँ या ना? इन्हीं के ऊपर बातचीत रहती है। हम लोगों ने यहाँ कितनी बार बात की कि तुम लोग चाहते हो पेपर लीक हो इसलिए पेपर लीक होते हैं, बोला ना जी हम तो नहीं चाहते, तो तुमने किसको बताया? तो तुमने बताया, प्रदर्शन भी किया, व्हाट्सएप कैंपेन भी चलाए हम लोगों ने, जो सोशल मीडिया कैंपेन भी चलाए। तो इसी प्रकार से तुम रोड अच्छा चाहते हो कि खराब, इतनी सी कहानी है बस। अच्छा चाहते हो तो थोड़ा सा जाके उनको बोल के आना पड़ेगा, और गड्ढों वाला ही चाहते हो तो सही है। ऐसे ही बिजली के ऊपर, ऐसे ही पानी के ऊपर है यही सिस्टम, हाँ या ना? चलिए, संजीव जी हैं हमारे बीच में, पंजाब केसरी के ब्यूरो चीफ है, बहुत बढ़िया वक्ता और बहुत ही बढ़िया कवि और बहुत अच्छे इंसान भी। जैसे प्रेस के कुछ लोगों को अगर सैल्यूट कर सकता हूं मैं, तो संजीव जी उनमें से एक है। पहले तो भाई साहब एक दिया शहीदों के नाम आप जलाइए प्लीज, फिर आप लोगों को सुनने का भी मौका मिलेगा, ऐसे मौके छोड़ने नहीं चाहिए। जूते निकाल के, आप लोग खड़े होकर ताली बजा सकते हैं, शहीदों के नाम दिया जलाया जा रहा है।
कमॉन माइक। हेलो, बैठिए, बैठ जाइए सब। जी सर, अब आप बोलिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। वहां से भी आवाज आनी चाहिए जो लोग यहाँ पर नहीं हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। ये आपकी आवाज वहां पर चली गई, जिन ब्रांचेज में लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं वहां तक आपकी आवाज चली गई। फिर से करता हूँ, आप लोगों को मेरा नमस्कार। वेरी गुड, जोश तो है, ICS है ना, इसलिए जोश तो होगा ही। चलिए, मैं आपको पढ़ाने के लिए तो बिल्कुल नहीं आया हूँ, वो काम सर का है। मैं सिर्फ आपसे थोड़ी सी चर्चा करने के लिए आया हूँ। पत्रकार हैं, कब हमारा काम ज़्यादातर होता है कि जो सामने वालों ने बोला वही सब लिख दिया अखबार में और अगले दिन सभी को पढ़ा दिया। चर्चा करने का वक्त या चर्चा करने का मौका जो लोग हमें देते हैं, हम उनके एहसानमंद हैं, क्योंकि बोलने से वो सब होता है। एक ऐड आती है ना, बोलने से होगा, तो बोलने से यस तो बोलने से वो सब होता है जो आप कुछ नहीं कर पाते हैं, जो संदेश आप देना चाहते हैं और नहीं दे पाते हैं, बोलने से वो सब होता है। परिमल जी से मैं शुरुआत करता हूँ, और मुझे लगता है कि शुरुआत इन्हीं से होनी चाहिए, पर्टिकुलर परिमल जी से नहीं, एक शिक्षक से ही शुरुआत होनी चाहिए। जब मैं परिमल शब्द को बोलता हूँ, या परिमल जी का मैं जब नाम लेता हूँ, तो वहाँ पर कई शब्द इससे मिलते जुलते, इस शब्द से मिलते जुलते कई शब्द मेरे जहन में आते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्ब करूँगा, बीच में होके बोलिए आप, तो उस पे जी स्क्रीन पर पहुँच जाएंगे। परिमल से मिलता जुलता एक शब्द है प्रणाम, वैसा ही एक शब्द है प्रमाण, और उसी तरह का एक शब्द है परिणाम। प्र प्र परिमल प्र प्र सब में आता है ना। प्रणाम यानी कि आपने झुक करके, नम हो करके, नमन हो करके शिक्षा ग्रहण की। परिमाण एक शब्द होता है मापना, जिसका मतलब होता है सर आपको मापेंगे, मतलब कि आपको गढ़ेंगे कि आप कहाँ तक जा सकते हैं, क्या आप में मादा है शिक्षा का, क्या आप में सीखने का मादा है, इन सब चीज़ों को वो देखेंगे और आपको एक कुम्हार की तरह, जैसे कच्चा घड़ा जो है वो बनाते हैं, कच्ची मिट्टी से पक्का घड़ा बनाते हैं, उसी तरह से आप में पोटेंशियल क्या है उसको देखते हुए, तो वो परिणाम परिमाण जो है उस शब्द को सार्थक करते हैं। और फिर जब इस तरह से किया हुआ परिमाण का जो प्रमाण है, जो परिणाम है, वो तो आपको पता ही है, नौकरियां लगती हैं, सभ्य बच्चे बनते हैं और जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। अब जिम्मेदार नागरिक शब्द से मैं इस सब्जेक्ट को जोड़ना चाहता हूँ, आज के इस विषय को जोड़ना चाहता हूँ, कि जिम्मेदार नागरिक वास्तव में सबसे बड़ा उदाहरण मुझे लगता है जलियांवाला बाग कांड जो है, पूरा का पूरा आप इसको देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि जिम्मेदार नागरिक कौन होता है। देश सेवा के लिए जो लोग बॉर्डर पे खड़े होकर, आज के समय की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, हमारे देश को बचा रहे हैं, बल्कि उसकी शान में हमेशा अपने प्राणों की आहुति तक दे देते हैं। फौजियों के बच्चे कितने हैं यहाँ पर बैठे हुए, हाथ खड़ा कीजिए, जिनके पिता या परिवार में कोई भी फौजी है, फौज में है, या आर्मी में है, सेना में है, थल सेना में है, वायुसेना में है, किसी में भी है। अरे वाह, बहुत अच्छा, मैं आपको और आपके परिवार को और आपके परिवार के उन सदस्यों को सैल्यूट करता हूँ। मुझे लगता है इससे बड़ा काम कुछ नहीं हो सकता। अब मैं आपको ये बताना, क्योंकि स्वतंत्र भारत की बात अगर हम आज कर रहे हैं, आज के समय में हर वो नागरिक देश का रक्षक है जो देश को गढ़ने में, देश को आगे बढ़ाने में, देश की शान बचाने में
अपना काम करता है, देश का भविष्य बनाने में अपना काम करता है, हर वो व्यक्ति सच्चा नागरिक है, जिम्मेदार नागरिक है परिमल सर की तरह। जैसे कि आप लोगों को वो भविष्य की तरह, भाई आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें अगर नौकरी ना लगे, अगर घर में वो जा कर के पढ़े ना तो क्या करेंगे? दो तीन चीज़ें हैं, घर का काम करेंगे, जो घर का पुश्तैनी काम होगा उसको करेंगे, या फिर वो गलत रास्ते पे पड़ जाएंगे। अब वहाँ से लेकर के आना, आपको पढ़ाना और जिम्मेदार नागरिक बनाना, ये भी बहुत बड़ी देश सेवा है। इससे बड़ी देश सेवा नहीं हो सकती मुझे लगता है, क्योंकि आप में से ही कल कुछ लोग आर्मी में जाएंगे, कुछ लोग पुलिस में जाएंगे, कुछ लोग और दूसरे जो हमारे रक्षा है, शिक्षा है, जितनी भी मतलब हमारे जो भविष्य को गढ़ने वाली जो चीज़ें हैं, भविष्य को बनाने वाली जो जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर आप लोग जाएंगे तो ये निर्माण जो है, IAS भी बन सकते हैं बहुत से बच्चे, IPS भी बनते हैं, तो मतलब ये एक मुझे लगता है रास्ता दिखाने वाली जो रास्ता दिखाने वाला जो मार्ग है, ये भी सच्ची नागरिकता का मार्ग। जब भी कोई बुराई पैदा होती है तो ही कोई अच्छाई पैदा होती है। कैसे? देश अगर परतंत्र नहीं होता, गुलाम नहीं होता, तो कैसे हमें पता चलता कि हमारे देश में इतने बड़े बड़े देशभक्त, महानुभाव, शहीद, इतने बड़े जो अपने अपने आप की अपनी जवानी तक, मतलब 23-24 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में वो देश के ऊपर अपने आप को न्यौछावर कर देंगे, कैसे पता लगता अगर देश गुलाम ना होता तो? मतलब हर बुराई के साथ ही अच्छाई चलती है, ऐसा ही ये एक उदाहरण है जलियांवाला बाग। सभा हो रही थी जैसा कि सर ने बताया, 13 अप्रैल आज ही के दिन की बात है 1919, 102-3 साल हो चुके हैं, सभा चल रही थी। तो हमारे यहाँ पर सभाओं में क्या होता है सर, के रैलियों में पुरुष तो आते ही आते हैं, महिलाएं भी अपने 6-6 महीने के बच्चों को लेकर भी आ जाती हैं, क्योंकि उनको ये होता है जलसा हो रहा है। उस टाइम ज़्यादा था, अब तो खैर ज़्यादा कीचड़ मच गया एक तरह से। उस टाइम कोई कोई सभाएं होती थी और सार्थक सभाएं होती थी मुझे लगता है। तो वहाँ पर महिलाएं अपने 6-6 महीने के बच्चों को लेकर भी, गोदियों में उठाकर भी, ये देखने के लिए कि कुछ नेता भाषण दे रहे हैं और कुछ नेता देश के लिए, देश को स्वतंत्र कराने के लिए हमें कुछ संदेश देंगे, वो सुनने के लिए हम भी चले जाते हैं। वहाँ पर यही कोई अलग अलग आंकड़े हैं, 2,000-5,000 के इस तरह, इतनी संख्या में वहाँ पर जो हैं आसपास के लोग भी रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादा दूर दराज के तो उस टाइम आते नहीं थे, पंजाब के क्षेत्र, अमृतसर के आसपास के जो हैं वो सब वहाँ पर आए थे। उससे कुछ दिन पहले जिसके विरोध में ये सभा हो रही थी, रोलेट एक्ट, जैसा कि सर ने अभी बताया कि वो क्या एक्ट था, वो नो दलील नो वकील, मतलब इस तरह से सर अभी बता रहे थे आप में सीधा, मतलब जिसको उनका मन किया, अंग्रेज थे, सरकार उनकी थी, शासन उनका था, जिसको मन किया उसको उठा लिया, भाई जिसकी बात पसंद नहीं आई, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ मेरी बात उनको पसंद नहीं आई तो उठा के ले गए, जेल में डाल दिया, कोई पूछने वाला नहीं है, यही एक्ट उन्होंने बनाया था। भाषण चल रहा था, जनरल डायर को ये पता लग गया कि यहाँ पर भाषण चल रहा है, वो अपने सैनिकों के साथ वहाँ पर आ गए, अपने सैनिकों के साथ, एक ही समय ये चीज़ें बता दिए कि उसका एक ही अंदर घुसने का दरवाज़ा था, गेट था जो मेन, वहाँ से वो उन सैनिकों ने घेराव कर लिया पूरी सभा का, चारों तरफ अपनी बंदूकें तान करके वो खड़े हो गए, भाषण बंद हो गया, चुप हो गई। अब कोई भी पुलिस को इतना बंदूकें लेकर के देख एकदम से देखेगा सैनिकों को तो उसको ये होगा कि क्यों आए, तो किसी ने मंच पे कहा कि ये हमारी रक्षा के लिए हैं, ये हमारी रक्षा के लिए, ये ठीक है, ये हम सब की रक्षा के लिए हैं, खड़े रहेंगे चारों तरफ, आप भाषण जारी रखिए। जैसे ही भाषण शुरू होता है, बोलना शुरू करते हैं, जनरल डायर एक ही शब्द बोलता है, फायर। बस फायर कहते ही, ऐसा माना जाता है, ऐसी धारणा है इतिहास के अलग अलग पन्नों में, कि 1500-1600 के आसपास 15 मिनट में उसने फायरिंग की, राउंड फायर किए, करवाए उन सैनिकों से, और जो भी
जिसको भी गोली लगती गई, गिर गया, घायल, मर गया। एक 6 महीने के बच्चे को भी गोली लगी, ऐसा रिकॉर्ड में है कि एक 6 महीने के बच्चे को भी गोली लगी। 2-3 हज़ार लोग वहाँ पर मर गए। एग्जैक्ट आंकड़े आपके शिक्षक बताएंगे, मैं केवल चर्चा कर रहा हूँ। वो लोग वहाँ पर त्राही त्राही, आप ये देखिए कि गोलियाँ चल रही हैं। आज यहाँ पर कल ही की, अगर आपने टीवी देखा हो तो अमेरिका के एक मॉल में ब्रिस्टोन में जो है फायरिंग की, केवल 15 लोग घायल हुए हैं। और वो चर्चा कितनी बड़ी होकर के आती है कि आतंकी हमला और लोगों में भगदड़ मच गई, दहशत, ये वो। आप ये देखिए कि 2-3 हज़ार लोग जब मारे जाते हैं गोलियों से, तो वहाँ क्या माहौल रहा होगा, थोड़ा सा सोच कर देखिए। आपकी रूह नहीं कांपेगी क्या? कांपी, एक लड़के की रूह कांपी जो बाद में ये मंजर देखने के लिए आया, और उसका नाम क्या था? अरे आपको तो पता है, पता है ना कहाँ के बच्चे हो आप? हाँ, उधम सिंह। अब 12-13 साल की उम्र में बच्चे की क्या इच्छाएं होती है? खेल ले वो, थोड़ा बहुत मम्मी पापा के कहने से, धमकाने से पढ़ ले और बाकी टाइम वो खेल ले, इससे ज़्यादा उसकी इच्छाएं या सोच जो है नहीं होती। उस टाइम पे ये मंजर देख करके, मैं, आप तो युवा हैं सभी, मैं इसलिए कह रहा था कि आपकी रूह जो है कांप जानी चाहिए। उस टाइम पे वो मंजर देख करके उस बच्चे की रूह कांप गई और उसने मन ही मन में ये तय कर लिया कि इसको सबक जरूर सिखाऊंगा। मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि जहाँ पे अच्छाई, जहाँ पे बुराई पैदा होती है, उसके साथ ही अच्छाई उसके पीछे पीछे चलती है। अच्छाई को उभरने में थोड़ा टाइम लगता है, जब तक बुराई अपना आधिपत्य करने की कोशिश करती है, अपना राज करने की कोशिश करती है, और बुराई ये भी सोचती है कि मैं हूँ, जो कुछ हूँ मैं हूँ। बुरा आदमी या बुराई कोई भी है, वो ये सोचता है कि भाई बस मैं ही हूँ, मेरा ही एक छत्र। रावण ये सोचता था सारी धरती मेरी है, सब कुछ मेरा है, लेकिन अंत क्या हुआ? उस लड़के ने 13 साल की उम्र में ये तय कर लिया कि इस जनरल डायर को मारना है, धरती के किसी भी कोने पे चला जाए इसको मारना है, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए। ये जज्बा जो है ना, ये जज्बा जिस दिन आ जाता है, तो उस दिन उस देश का कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। और मारा, टाइम तो लगा उसको जवान होने में, लंदन में जाकर के मारा, लंदन में जाकर के मारा। उसको मारते ही ये कहा कि बस अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे केवल इसको मारना था, क्योंकि इसने मेरे देशवासियों को मार रखा है, मेरे अपनों को मार रखा है, इसलिए इसको मारना है। तो मतलब ठान ले, एक अच्छाई की बात मैं कर रहा था कि जब ये जलियांवाला बाग का दिवस जो है, ये आपको यही प्रेरणा देता है कि जब आप ठान लें, जब आप मन में ये धारण कर लें कि हमें देश सेवा इस रूप में करनी है, सेवा में जाकर के, नौकरी में जाकर के करनी है, व्यक्तिगत तौर पे किसी और समाज सेवा के रूप में करनी है, तब आप उस दिशा में अगर प्रयास करने लग जाएं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका प्रयास सार्थक ही होगा, क्योंकि आप 100% अपनी एनर्जी उस दिशा में फेंकते हैं। ठान लूंगा, ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता, वो शायद आप में कुछ जगाएं और आपको शायद कुछ याद भी आए। देखो वीर जवानों अपने, देखो वीर जवानों अपने, खून पे ये इल्जाम ना आए। देखो वीर जवानों अपने, खून पे ये इल्जाम ना आए। माना कहे के मेरे बेटे, वक्त पड़ा और काम ना आए। देखो वीर जवानों अपने, खून पे ये इल्जाम ना आए। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना? तो आप सभी को फिर से प्रणाम, और सर को विशेष प्रणाम, धन्यवाद।